हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 5। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू गिवन है पी क्यू आर का वैल्यू, उसको हम पुट करके हमारा रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन और एक बार यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, फिर होल इन टू पी क्यू माइन पी क्यू प्लस क्यू आर। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमें पता है पी का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर के साथ, ठीक है। फिर प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वह सेम पी क्यू प्लस क्यू आर के साथ। फिर यहाँ पर देखो प्लस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, पी क्यू प्लस क्यू आर के साथ। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सिर्फ हमने लिखा है ऐसे फॉर्मेट लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से यहाँ पर सॉल्व करो बच्चों, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखो पी और क्यू को, ध्यान रखो पी और क्यू को। यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर कुछ साइन का देखना है, कॉन्स्टेंट तो कोई यहाँ पर है नहीं, देखो सिर्फ आपको साइन को, साइन देखना है और फिर वेरिएबल देखना है। साइन तो यहाँ पर प्लस ही हुआ, छोड़ो। अब ध्यान से वेरिएबल को देखो, पी कितने भैया, दो, या पी ये हो गया 3 बार और क्यू हो गया 1 बार। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर ये देखो पी है 2 बार, क्यू 1 बार है और आर 1 बार है, इसका हो गया। अब इसको करो पी, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले पी आता है ना तो पहले पी लिखेंगे। यहाँ पर पी लिख देंगे 1 बार। अब देखो यहाँ पर क्यू 2, यहाँ पर 3, ये हो गया क्यू टू द पावर 3, ठीक है। ये लिखेंगे प्लस, फिर ये हो गया आपका क्यू टू द पावर, क्यू के बाद आर आता है ना, तो क्यू पहले लिखेंगे, क्यू कितना हो गया क्यू टू द पावर 3, फिर आर लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस अब यहाँ पर देखो, पहले हम पी लिखेंगे, क्यू कितने बार है, 1 ही बार है, छोड़ो 1 बार लिखो, आर यहाँ पर है 2 बार, समझ में आ रहा है। फिर प्लस, फिर इसको इसको देखो आर का स्क्वायर, फिर इसको देखो, तो पहले क्या क्यू आता है, तो क्यू लिख दो, तो पहले क्यू यहाँ 1 बार है, आर यहाँ पर 3 बार है, आर टू द पावर 3, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर कुछ आपको लाइक टर्म्स दिख रहा है, पी क्यू क्यू और कोई है यहाँ पर, कोई पी क्यू क्यू नहीं है, पी स्क्वायर क्यू आर कोई है, पी स्क्वायर क्यू आर नहीं है, कहीं भी नहीं है, पी टू द पावर क्यू यहाँ पर भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, आई थिंक यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, कुछ आपको सेम नज़र आ रहा है, क्यू और नहीं क्यू आर का क्यू है, फिर यहाँ पर क्यू पी क्यू आर का स्क्वायर है, पी क्यू आर का स्क्वायर है, पी क्यू आर का स्क्वायर नहीं, कुछ लाइक टर्म्स नहीं है, छोड़ो लाइक टर्म्स यहाँ पर एक भी नहीं है। तो अब हम, यही हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो अब इसको ध्यान से करना, क्योंकि देखो इतना लंबा हमारा आंसर निकला, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी देखो हम यहाँ पर ध्यान से हमने चेक किया, कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट जो बोल सकते हो आप उसको, फाइनल रिजल्ट है। अच्छा, अब देयर फोर का स्टेटमेंट जो है आप यहाँ पर आप खुद लिख दो। अब मैं यहाँ पर अब समझ चुके हो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ। अब देयर फोर का स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखो, ठीक है, देयर फोर का स्टेटमेंट जो लिखना है आपको यहाँ पर लिखो। आपको आप पता नहीं देयर फोर का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, ठीक है। तो देयर फोर का लिखो, तो आपको एल एच एस क्या मिला बताओ, एल एच एस कौन मिलेगा, जो क्वेश्चन है वो हमारा एल एच एस है, तो एल एच एस लिख दो यहाँ पर, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर पी क्यू प्लस क्यू का क्यू आर, ठीक है। तो ये है हमारा एल एच एस, वैल्यू कितना है, हमें वैल्यू कितना गिवन है, हमें पी का वैल्यू 2 गिवन है, क्यू का वैल्यू गिवन है -3, और आर का जो वैल्यू गिवन है 1 गिवन है। अब ध्यान से हमें इसको करना है, गलती नहीं होना चाहिए। अभी हमने एल एच एस करेंगे, फिर उसके बाद हम आर एच एस करेंगे, तो पहले एल एच एस तो ख़त्म हो जाए पहले। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, बड़े ध्यान से हमने क्वेश्चन लिखा है, अब कुछ भूल भूल नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ अगर गलती हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पी का स्क्वायर क्यू क्यू का स्क्वायर, फिर आर का स्क्वायर, फिर पी क्यू प्लस क्यू आर, चलो सब ठीक है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लोगे तो उसको तो वैल्यू पुट करते हैं, चलो। तो यहाँ पर क्या होगा, पी का स्क्वायर है तो मतलब कितना, 2 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर क्या है, क्यू का स्क्वायर है मतलब कितना स्क्वायर होगा बताओ, -3 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर क्या है आर का स्क्वायर, आर कितना है मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, आप फिर से स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट करो, पी क्यू, पी क्यू मतलब क्या, 2 इंटू क्यू क्या है, -3 है, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पर प्लस,
यहाँ पर क्या है, क्यू आर, क्यू कितना है -3 इंटू -3 है क्यू, आर कितना है 1 है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, यहाँ ब्रैकेट दे दो, ठीक है ब्रैकेट दे दो, ठीक है अब यहाँ पर ब्रैकेट दे दो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से कितना आंसर होगा बताओ। 2 का स्क्वायर ये हो गया आपका 4 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये होगा जो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर ये हो गया आपका 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या होगा -6 होगा, फिर यहाँ पर प्लस दे दो, ठीक है ये कितना हो जाएगा 3 -3 × 1 कितना -3 होगा, यहाँ -3 लिखो, जितना हो सके आप स्टेप यहाँ पर कम लिखो। अब आपके यहाँ पर समझ में क्या -3 हो रही है प्लस माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, बट आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ये स्टेप कर रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हो तो ये स्टेप मत लिखो, स्किप कर लो। 4 प्लस 9 प्लस 1 ये इसको वैसे लिखो, यहाँ पर ये हो गया आपका -6 प्लस माइनस -3, ठीक है ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 ये हो गया आपका 14 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका -9। 14 × 9 कितना होता है बताओ -126। टेबल याद करो बच्चों, टेबल बार बार बोल रहा हूँ टेबल याद करो। 14 × 9 कितना होता है आपका 126 होता है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, -126 हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये तो हो गया LHS, अब हम याद करेंगे सॉरी मतलब हम करेंगे RHS, ठीक है RHS। चलो RHS को पहले ध्यान से हमें देखना है, ठीक से लिखना है ताकि कुछ गलती ना हो जाए हमारा, ठीक है। इसको हम यहाँ देखते हैं तो कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो देखते हैं कॉपी हो रहा है कि नहीं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है कॉपी कर लेते हैं इसको। इमेज के फॉर्म में आ गया है कोई बात नहीं, जो भी फॉर्म में है लिख देते हैं, हाँ कॉपी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो RHS है उसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होगा। अच्छा वैल्यू कितना है हमारा उसको हम लिख लेते हैं पहले, वैल्यू कितना है, वैल्यू 2 -3 4, 2 P का वैल्यू 2 -3, P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू -3 और R का वैल्यू 1, ठीक है R का वैल्यू -1 सॉरी 1 है R का वैल्यू 1, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर RHS हमें यहाँ पर गिवन था, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आंसर निकलेगा। यहाँ पर एक थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर था, ठीक है यहाँ हमने जो कॉपी किया है थोड़ा गलती हो गया, ठीक है इसको यहाँ पर आर का स्क्वायर था यानी से एक बार मिला था क्यू आर यहाँ पर लास्ट में नहीं था, क्यू आर पर 3 था, ठीक है तो हमने जो कॉपी यहाँ पर किया है थोड़ा यहाँ पर 3 यहाँ पर मतलब कट गया यहाँ पर देखो, ठीक है यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। चलो अब ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलता है हमारा। तो यहाँ पर लगेगा P^3 फिर Q, तो P का यहाँ पर लिख देंगे 2^ कितना बोलो, पहले फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं 2 का P का Q मतलब कितना, 2 का Q हो गया आपका यहाँ पर इंटू फिर Q है, Q का वैल्यू कितना -3 है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर प्लस लिख दो, फिर P का स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर, फिर इंटू Q कितना है आपका -3, ध्यान से आपको करना है, इंटू R कितना है 1, इधर वैल्यू देखते जाओ यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, फिर यहाँ पर प्लस लिखो, फिर यहाँ पर पी कितना है 2 × Q^3, इसका मतलब क्यू कितना है यहाँ पर -3 × 3 प्लस, ध्यान से देखो फिर यहाँ पर Q^3 है, क्यू कितना है -3 है हमारा -3 × 3 इंटू आर, आर के 1 है हमारा 1 लिखो यहाँ पर प्लस, ये प्लस यहाँ पर, फिर पी लिखो, पी कितना है 2 इंटू फिर क्यू कितना है हमारा -3 लिखो यहाँ पर, फिर R का स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है फिर यहाँ पर प्लस, अब लास्ट बचा ये वाला Q, Q क्या है हमारा -3 फिर इंटू फिर ये क्या है R का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इंटू वाला पार्ट जो है उसको कर लेते हैं,
टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 इंटू माइनस 3 कितना होता है, -24। ठीक है, अब हम इसको प्लस का साइन यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर ये कितना होगा बताओ, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 इंटू 3 कितना, माइनस 4 इंटू 3 हो गया आपका 12, जो साइन होगा वो हो गया -12। ठीक है, ये होगा 4, ये थे -12 हो गया ना, तो यहाँ पर प्लस लिख लो, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 27, 27 इंटू कितना हो जाएगा 27 इंटू 2, तो 27 इंटू 2 आपका हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये हो गया -54 हो गया, यहाँ पर 3 है ना, ठीक है 3 है, तो 3 बार मतलब तुम्हें नेगेटिव होगा, तो -54। अच्छा फिर यहाँ पर इसको करो, ये वाला इंटू पार्ट जो है 3 का स्क्वायर, ये वही सेम 27, तो -27, -27 तो ये होगा आपका आंसर कितना हो जाएगा फाइनल, हम डायरेक्ट लिख देते हैं -27 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे मन में कर सकते थे, यहाँ पर तो नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, आप चाहो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पर कर दिया -27 लिख दिया। अच्छा फिर आप क्या करना है, हमें यहाँ पर देखो यहीं पर कर लेते हैं -3, ये हो गया आपका 6, और ये आपका फाइनल जो -6 निकलेगा, देखो मैं डायरेक्ट कर लिया, अब ये वाला स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट मन से कर, मन से मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब बचा ये वाला, ये कितना हो जाएगा -3, ये हो गया आपका 3, ये हो गया -3। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, अब देखो नेक्स्ट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया देखो, और स्टेप ये लिख, ये हमने सॉल्व नहीं किया था ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, 27 -6 -3, अब इसको सब देखो, यहाँ पर जितने सब नेगेटिव है सबको हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये सब यहाँ पर जितने नंबर है सबको क्या करना है, हमें वो सबको प्लस करना है। ठीक है, तो इसको आप एक काम करो, रफ में सारे नंबर्स को नीचे नीचे लिख दो, यहाँ पर देखो सब में देखो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, सब में प्लस होगा, तो यहाँ पर सब में हम प्लस का साइन यहाँ पर दे देंगे, सबको हमें यहाँ पर प्लस ही करना है। ठीक है, आप नहीं तो अगर ऐसे कन्फ्यूज हो रहे हो तो आप वन बाय वन करो, नहीं तो इन दोनों को पहले कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, एक एक करते, नहीं तो आप ऐसे करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा बड़ा नंबर कौन सा है, साइन कहाँ पर देना है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम दो दो नंबर पकड़ते हैं, इन दोनों को करते हैं, कितना आंसर निकलेगा बताओ, माइनस का साइन तो होगा, फिर 4 2 6, ये 2 1 3, ये हो गया 36, -36, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया, फिर अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो माइनस तो होगा ये साइन, ये कितना 4, ये 7 और 4 कितना होता है 1 11, कैरी 1 7 1 8, ये हो गया 81, -81, और ये माइनस माइनस कितना, -9 हो गया। ठीक है, ऐसे कर लो, अब इसको माइनस माइनस प्लस करो, कितना हो जाएगा आपका, ये 6 प्लस 1 कितना होता है 7 हो गया आपका, 6 प्लस 1 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 3 हो गया आपका 11, तो -117 -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 9 प्लस 7 कितना होता है 16 होता है, 16 कैरी 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1, देखो -126 आ गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो ऊपर में LHS भी है -126 था, हमारा RHS भी -126 निकला, तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाई, ध्यान से आपको करना है यहाँ पर, बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन भूल होने के बहुत चांसेस है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर फोकस फुल फोकस देकर आपको करना है, नहीं तो थोड़ा सा भी आपका माइंड इधर उधर होगा तो भूल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।